ग्वालियर में उद्यमी सुरक्षा सम्मान नीति पर चैंबर भवन में बैठक हुई, जिसमें बिजनेस का ट्रांसफॉर्म और देश की जीडीपी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। देश की जीडीपी व्यापार और उद्योग से ही बनती है, इसलिए व्यापारियों को अपने बिजनेस को ट्रांसफर करने के गुर सीखने चाहिए और चैंबर ऑफ कॉमर्स में अपनी सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। यह बात उद्यमी सुरक्षा सम्मान और सरलीकरण नीति पर आयोजित चर्चा में मुख्य अतिथि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत ने कही। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि देश में आर्थिक असमानता का प्रश्न उठता है। इस प्रश्न का हल उद्योग व्यापार को प्रोत्साहित और नवीन निवेश को आकर्षित करके किया जा सकता है। इससे रोजगार में वृद्धि होगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। आज नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के सारस्वत जी मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आग्रह पर पधारित है और नीति आयोग का काम सरकार को नीति बना के देना है, सरकार उसके आधार पर अपनी योजनाओं में अमल करती है। तो मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से जो सुझाव दिए गए हैं उसमें इन्हीं सब बातों को बताया गया है कि जब भारत सरकार को आप नीति बना के दें तो व्यापारी और उद्योगपति भी उसमें परिलक्षित होना चाहिए। इसके अंदर हमने सुझाव दिया है कि हमारे चुकाए गए कर के आधार पर और जो व्यक्ति कर चुका रहा है उसी को एक पेंशन योजना दी जाए, जिससे निश्चित भारत अगर पेंशन के लिए निकाल देंगे तो समय के बाद जब व्यापारी घर बैठेगा तो उसको एक आसरा होगा। दूसरा, कोई आपदा विपदा हो जाती है तो हमारे चुकाए गए कर के आधार पर हमारे टर्नओवर के आधार पर ब्याज रहित ऋण दिया जाए जो वापसी होगा। इसके साथ हमारे एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी सरकार जब हमारे रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस समय करे और उसका पैसा भी। आज नीति आयोग के सदस्य माननीय डॉक्टर वी के सारस्वत जी मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ग्वालियर अंचल के व्यापारियों और उद्योगपतियों के बीच में आए और उन्होंने एक अच्छी बात कही कि व्यापारियों को अगर आगे बढ़ना है अपने तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़, उनको कैसे नए व्यापार को करें, कैसे अपने व्यापार को आज के वर्तमान युग के हिसाब से मॉडर्नाइज तरीके से करें, अपने को ट्रांसफॉर्म करें, इसकी वो आज बहुत ही अच्छी बात मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर कहे गए हैं। व्यापारियों को उद्योगपतियों के बीच में उन्होंने उनकी बात सुनी कि किस प्रकार व्यापारी चाहते हैं सरकार की जो नीति बने कि किस तरह सिंगल विंडो सिस्टम में या MSME की सब्सिडी में किस प्रकार सरकार की सहायता चाहिए, उसकी उन्होंने व्यापारियों की बात सुनी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।